पिपराइज थाने की पुलिस ने महिला का गला रेत कर निर्मम हत्या करने वाले 15,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक 15,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राकेश सिंह पुत्र इंदु सिंह निवासी ग्राम हेमदापुर थाना पिपराइज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, आला कत्ल, एक चाकू, एक मोबाइल, 530 रुपए नगद बरामद किया गया है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की पत्नी भगवानी देवी से पुराने मुकदमे की सुलह के लिए बोलना तथा वादी मुकदमा की पत्नी द्वारा मना करने पर चाकू निकालकर वादी मुकदमा की पत्नी की गला रेतकर हत्या कर देने के संबंध में पिपराइज थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में पिपराइज थाना प्रभारी सूरज सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक राजकुमार सिंह, उप निरीक्षक जयप्रकाश सिंह यादव, कांस्टेबल दिनेश, महिला कांस्टेबल नेहा सिंह शामिल रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, तुम चाकू मारेगा उसके बाद फिर तुम दोबारा फिर मृतका की लड़की दिनांक 15/11/2022 को थाना पिपराइज के ग्राम हेमदापुर में एक महिला भगवानी देवी की हत्या कर दी गई थी। इसमें अभियुक्त राकेश सिंह का नाम प्रकाश में आया था। उक्त राकेश सिंह नामक अभियुक्त तो उसी समय से फरार हो गया था, जिसके ऊपर 15,000 रुपये इनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा रखा गया था। उसको कल रात्रि में थाना पिपराइज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसका जो हत्या का मुख्य कारण है वो जो मृतका थी उसकी पुत्री से इसका कोई संबंध था, जिसमें वो मना करती थी, इसके कारण इसने उसकी हत्या की है। ये करीब 1.5 साल पहले जेल से छूट के आया था। ये इससे पूर्व भी उसी लड़की को 307 और 354 के अंतर्गत अपराध करने के संबंध में, चाकू मारने के संबंध में जेल गया था और उसी में से छूट के आया था। उसके बाद फिर वो पुनः उससे संपर्क बनाने की कोशिश करने लगा, जिसका घर के लोग और विशेषकर ये उसकी माता भगवानी देवी विरोध करती थी। इस पर इसने इसकी हत्या की योजना बनाई और उसकी हत्या कर दी। चाकू बरामद हुआ है, जिससे आला कत्ल, जिससे कि हत्या की गई है।